हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, कल हमने आपको हिंदी सेकंड का फोर्थ चैप्टर एक्सप्लेन किया था और उसमें कुछ वर्क भी करने को दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे आपको। तो सारे बच्चे अपनी हिंदी सेकंड की बुक ओपन कर लें। आज डेट है हमारी 31 जुलाई 2020, क्लास फिफ्थ है, डे हमारा फ्राइडे है। तो बच्चे, इसमें सबसे पहले दे रखा है नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखो। तो ये तो सारे बच्चे खुद से कर लेंगे ना। ये जो पिक्चर है इनको पहचान के आपको इस तरीके से इनके ये नेम मेंशन करने हैं। यहाँ पर जैसे गाय है, सूरज, पहाड़, तितली, घर, पत्र, पेड़, हाथी, इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में फिल करेंगे। फिर इसके बाद आपको कोष्टक में दिए उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरो। तो जो श्रुतिशम भिन्नात्मक शब्द थे, जिन्हें सुनने में एक जैसे हैं और उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो वो यहाँ पे ये जोड़े दे रखे हैं। तो उसमें से राइट वर्ड भरना है। जैसे भगवान राम ने रघुवंशी कुल में जन्म लिया, तो यहाँ पे कुल आएगा। सेकंड वाले में ओर आएगा, थर्ड में चीर, फोर्थ में धन, सुदामा की दीन दशा देखकर। तो इस तरीके से हमको ये कंप्लीट करना है बच्चों। फिर इसके बाद आता है नीचे दिए शब्दों के वाक्य बनाओ। यहाँ पर भी वही है, जैसे कोश, कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह है ना। तो इस पे हमको एक वर्ड या सेंटेंस बनाना, और कोश का मतलब होता है खजाना, जैसे जो खजाने में धन होता है ना रखते हैं वो। शोक यानी कि ये जो शोक सभा होती है, कोई जिस किसी की डेथ हो जाती है तो शोक सभा में जाते हैं हम लोग। और शौक, बड़े होगी मात्रा लगते हैं, शौक यानी कि किसी चीज़ के हम आदि होते हैं ना, शौकीन होना, शौक होता है किसी चीज़ का। इसलिए मे क्या है, ये एक सर्वनाम, मतलब मे माने अंदर, और मैं एक सर्वनाम है यानी अपने लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही राज, राज यानी कि शासन, और राज इसमें नीचे बिंदी लग जाती है तो ये होता है रहस्य। इस तरीके से एक एक सेंटेंस बनाना है। इसके बाद हमको यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मिठाई बनाने वाला, हलवाई, फल सब्जी खाता हो, शाकाहारी, विद्यालय में पढ़ता हो, विद्यार्थी, ये बच्चों ये यहाँ पे कट हो गए हैं, और जो सब जगह उपस्थित हो, सर्वत्र, जिसमें बल हो, बलवान, जिस जल में रहने वाला, जलचर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। अब इसमें भी यहाँ पे जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, पीछे चलने वाला, अनुगामी, जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, जिसके समान दूसरा होना हो, अद्वितीय, जिसका आकार ना हो, निराकार। अब यहाँ पे ये जोड़े बनाने हैं। तो ग्रह यानी कि घर, मैं एक सर्वनाम, पुल किनारा, पुल वंश, में अंदर। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।